गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए आज हम अपनी रेसिपी नहीं, मैं आज कोई रेसिपी नहीं डाल रही हूँ। आज मैं रेसिपी से रिलेटेड एक डो डाल रही हूँ। इस डो से काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए मैंने ये परफेक्ट डो का रेसिपी डाला है। क्योंकि जब भी मैं रेसिपी बना रही थी तो मेरे से बार बार ये डो बिगड़ रहा था, तो मुझे लगा कि इसकी रेसिपी डालनी चाहिए। तो चलिए हम ये परफेक्ट डो तैयार करते हैं। इससे बनता है ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा, डोनट और बहुत सारी चीज़ें इस डो से तैयार होती है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो डाली है। चलिए हम इसको बनाते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है 1 ग्लास, मैंने मीडियम साइज़ की ग्लास से 1 ग्लास गुनगुना पानी लिया है, लेकिन मैंने हाफ ग्लास ही ऐड किया है स्टार्टिंग में, और ड्राई ईस्ट ऐड किया है 2 स्पून। ठीक है, ये आपको शॉप में इजीली अवेलेबल है ड्राई ईस्ट। और आप इसको मिक्स करके और इसमें जो चीनी लिया था मैंने 1 स्पून छोटे स्पून से, उसको भी मिक्स कर दें और 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दें। देखिए 5 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब इसमें ये जो मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, वाइट फ्लोर भी इसको बोलते हैं आप, ठीक है, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करिए। इसमें मैंने ऑलरेडी पानी डाला है, तो अब इसमें मैंने बहुत कम पानी डाला है। अब ऊपर से थोड़ा 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 पानी ऐड करके इस डो को, इसमें जितना पानी लगता है आप उतना पानी ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम मेरा ये डो ख़राब, मतलब ख़राब नहीं, गीला हो गया था, इसलिए मैंने फिर ये पानी वाला अभी मैंने किया है कि थोड़े ही पानी में फेंटा था ईस्ट को और अभी ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी लिया है। देखिए जब ये पूरा अच्छे से एक साथ बाइंड हो गया तो मैंने इसको प्लेटफॉर्म पे निकाल लिया है। 7 से 8 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है, फिर लास्ट में मैंने इस पे ऑयल लगा के फिर से इसको मिक्स किया है। देखिएगा अभी इसका टेक्सचर, देखिएगा कैसे हो जाएगा। आपके भी डो का टेक्सचर जब ऐसा हो जाए फिर आप समझिएगा कि ठीक है, मेरा डो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और आप इसकी एक लोई बनाकर इसमें अच्छे से तेल लगाकर इसको एक बाउल में एक कपड़े से अच्छे से पैक करके रख दीजिएगा एटलीस्ट 35 मिनट्स के लिए। लास्टली आप इसको 50 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। मैंने 35 मिनट्स के लिए छोड़ा था, 35 मिनट्स में ही मेरा डो बहुत अच्छा फर्मेंट हो गया था, तो फिर इसीलिए मैंने आपको भी उतना ही टाइम बताया है। और ये डो फिर तैयार हो जाएगा आपकी हर एक चीज़ बनाने के लिए। और नेक्स्ट रेसिपी मेरी पिज़्ज़ा है इसी डो की। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए और आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। देखिए ये डो बिल्कुल तैयार है, इसका टेक्सचर देखिए। 2 से 3 मिनट आप इसको मिक्स करिए, आपका डो बिल्कुल रेडी है। देखिए आपको देखने में ही वो स्मूथ लग रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ये थैंक यू।